आज बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की 1988 में रिलीज हुई फिल्म कमांडो के सच के बारे में। इस फिल्म में जुड़े कुछ ऐसे भी सच हैं जिनसे शायद आप लोग अनजान होंगे। इस फिल्म को आप सभी ने देखा होगा और कमांडो मिथुन चक्रवर्ती की ऐसी फिल्म है जिसे आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, हेमंत विजय, डैनी, शक्ति कपूर, असरानी जैसे लोग दिखे थे, लेकिन इस फिल्म के कुछ अनसुने सच भी हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। 3 जून 1988 को यह फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बब्बर सुभाष ने। सबसे पहले सच की अगर बात करें तो इस फिल्म में जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के माता और पिता की भूमिका निभाई थी, यानी कि सतीश कौल और सरला योगलेकर ने, कमांडो से पहले उन्होंने फिल्म डांस डांस में भी सेम भूमिका निभाई थी, यानी कि मिथुन के माता पिता की ही भूमिका उन्होंने निभाई थी और उसके बाद इन्होंने कमांडो फिल्म में भी उनके ही माता पिता की भूमिका निभाई। इस फिल्म में आशा शर्मा ने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया था। अगर आपने शुरू में नोटिस किया होगा तो इस फिल्म में इंदिरा गांधी का एक स्पीच आता है जिसे आशा शर्मा ने निभाया था। उनका लुक दिवंगत प्रधानमंत्री से काफी मिलता जुलता था और इसीलिए उन्हें इस फिल्म में इंदिरा गांधी के किरदार के लिए लिया गया था। आपको बता दें कि बी सुभाष ने अपनी पिछली हिट फिल्म डांस डांस के अधिकांश कलाकारों को अपने इस फिल्म में बरकरार किया और इसी फिल्म में लिया है, जैसे कि अमरीश पुरी, सतीश कौल, मिथुन चक्रवर्ती, सरला, ये सभी किरदार हैं जो पहले डांस डांस में भी दिखे थे और बाद में कमांडो फिल्म में भी दिखे। हेमंत बिरजे, जिन्होंने एडवेंचर्स ऑफ टार्जन 1985 से मुख्य भूमिका निभाई थी, और किम, जिन्होंने डिस्को डांसर 1982 में मुख्य भूमिका निभाई थी, दोनों ही बी सुभाष की फिल्में में नजर आए और ये दोनों इस फिल्म में सेकंड रोल में दिखे थे। 1980 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती अपने चरम पर थे और इसीलिए कहा जाता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। इस फिल्म को सफलता बनाने में सबसे बड़ा हाथ मिथुन चक्रवर्ती का ही माना जाता है। वहीं एक सच और भी है जो सनी देओल और मिथुन चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इस फिल्म के बाद यानी कि कुछ साल बाद 1994 में ब्लैक कैट कमांडो नाम से एक और फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था और इस फिल्म को शुरू भी किया गया था जिसमें मिथुन दा और सनी देओल एक साथ नजर आते, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से यह फिल्म बंद हो गई। बता दें कि फिल्म कमांडो करने के बाद किम ने कहा था, डिस्को डांसर की सफलता के बाद मुझे कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव नहीं मिला। ऐसी कई बातों का जिक्र उन्होंने अपने इस फिल्म के बाद किया था जो फिल्म में कुछ खास सफलता नहीं पा सके हैं। कमांडो भी सुभाष द्वारा प्रोडक्शन से बाहर निर्देशित आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने केवल अपने प्रोडक्शन का निर्देशन किया। वहीं जाते जाते आपको यह भी बता दें कि फिल्म की शुरुआत इस बात के डिस्क्लेमर से होती है कि दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को छोड़कर सभी किरदार काल्पनिक हैं। फिलहाल इस फिल्म को क्या आपने देखा है, और देखा है तो आपको यह फिल्म कैसी लगी थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।